क्यों आज अपने ही देश में असुरक्षित हैं हिंदू? अपने ही देश में अल्पसंख्यक कैसे हुए हिंदू? मौलानाओं के किस योजना के तहत बढ़ती गई देश में मुस्लिम आबादी? क्या देश इस्लामिक अस्तित्व की चपेट में आ गया है? नमस्कार, आपका स्वागत है मीडिया दरबार में और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। एक देश को चलाना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि हमारे देश में लोगों की सिर्फ संख्या जानने में हजारों करोड़ का खर्चा आता है। बीते साल जनवरी में ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने 2021 में की जाने वाली जनगणना की घोषणा कर दी थी। इसके तहत जनगणना की ये पूरी प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न कराई जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में अंदाजन 30 लाख कर्मचारी भाग लेंगे और इस पर आने वाला पूरा खर्च मोटा मोटी 8,754 करोड़ 23 लाख रुपए तक का आएगा। तो अब आते हैं अगले सवाल पर, आखिर इसकी जरूरत क्या है? तो अब जवाब सीधा सा है कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको जिनके लिए काम करना है वो लोग कौन हैं, किस आयु वर्ग के हैं, तो ऐसे में आप उनके लिए कोई भी फैसला कैसे कर सकते हैं? अब किताबी भाषा में कहूँ तो किसी भी देश के विकास एवं उसके भविष्य की नीतियों के निर्धारण के लिए देश के नागरिकों की सही संख्या का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के प्रामाणिक आंकड़े सरकार की मदद करते हैं, इसलिए भारत में प्रत्येक 10 साल पर जनगणना की जाती है। जनगणना देश में नागरिकों के लिए योजना बनाने हेतु एक आधार प्रदान करती है। वर्ष 2021 की जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। अब बात करते हैं जनगणना के आंकड़ों की। तो जनगणना के आंकड़ों के सामने आने पर सबकी नजरें होती हैं देश की बढ़ती जनसंख्या पर और साथ ही धार्मिक जातीय आधार पर देश में हुए बदलावों को लेकर। हर 10 साल में ये आंकड़े बड़ी तेजी से बदलते हैं, जो बताते हैं कि समाज में किस स्तर पर और कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश में अगली जनगणना के आंकड़े सामने आने में अभी अच्छा खासा समय है, तो इसलिए फिलहाल हम बीते आंकड़ों के आधार पर ही आज की स्थिति का आकलन करते हैं। तो पिछली बार के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 121 करोड़ की आबादी वाले देश में हिंदू 96.63 करोड़ और मुस्लिम 17.22 करोड़ है। यानी देश की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 0.8% बढ़ी थी, जबकि यही आंकड़े बताते हैं कि हिंदुओं की हिस्सेदारी 0.7% तक घटी। वहीं अगर जनसंख्या में इन समुदायों के वृद्धि दर की बात करें तो साल 2011 में हुई जनगणना बताती है कि हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 16.76% थी, जबकि 10 साल पहले हुई जनगणना में ये दर 19.92% पाई गई थी। यानी देश में हिंदू समुदाय के लोगों की वृद्धि दर में समय के साथ 3.16% की कमी आई। वहीं अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो पिछली जनगणना के मुताबिक भारत में मुसलमानों की आबादी 29.5% की दर से बढ़ रही है, जो कि 2011 में गिरकर 24.6% हो गई थी। यानी जनसंख्या वृद्धि में कमी का असर सभी समुदायों पर देखा गया, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मुस्लिम समुदाय की वृद्धि दर शुरू से ही हिंदू समुदाय के मुकाबले काफ़ी अधिक रही। ऐसे में इन आमूलचूल परिवर्तनों से इस पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। तो ये सरकारी आंकड़े हमें बताते हैं कि आज देश में जो स्थिति है वो कैसे बनी, आज क्यों अपने ही देश में हिंदू अल्पसंख्यक होने की कगार पर है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आप इसे इस चार्ट की मदद से समझिए। आज़ादी से लेकर अब तक की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि कैसे हिंदुओं की आबादी 30.5 करोड़ से महज 90 करोड़ तक आई और कैसे देश में मुस्लिम समुदाय 3 करोड़ की अपनी आबादी से आज भारत में 17.5 करोड़ की आबादी तक पहुँच चुके हैं। और ये आंकड़े 2011 के हैं। अब देखना ये है कि इस साल की जनगणना में ये आंकड़ा और कितना आगे बढ़ता है।
लेकिन विडंबना तो ये है कि इतने पर भी देश में कुछ बुद्धिजीवी वो हैं जो आज भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। वो बात अलग है कि पश्चिम बंगाल में जीत के लिए राजनीति तय करने वाला आंकड़ा मुस्लिम समुदाय के वोट पर ही निर्भर करता है। वो बात अलग है कि इसी देश में अखलाक MM खान की मौत को देश में बढ़ते सांप्रदायिक मामलों का नाम देकर उन पर सब राजनीति करते हैं, लेकिन वहीं अपने परिवार का आर्थिक सहारा एक 24 साल का बच्चा जो सिर्फ राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए उसके घर में घुसकर उसे चाकू गोदकर मार दिया जाता है, तो इस पर देश में तथाकथित बुद्धिजीवी अपनी आंख ऐसे फेर लेते हैं जैसे इसकी जानकारी तक उन्हें नहीं है। राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे परिवारों से मिलने की जहमत तक नहीं उठाती क्योंकि यहाँ उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं दिखता। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जिस रफ्तार से देश में धार्मिक आधार पर जनसंख्या में परिवर्तन हो रहे हैं उसके नतीजे क्या इन बुद्धिजीवियों को समझ नहीं आते? क्यों ऐसे समय में इनकी दूरदर्शिता पर पर्दे पड़ जाते हैं? हिंदुस्तान में हिंदुओं की हालिया स्थिति को लेकर अगर कोई कुछ बोले तो ये उसे संघी और RSS विचारक कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों आखिर अपने ही देश में हिंदू अपनी स्थिति पर बात नहीं कर सकता, और अगर करता है तो इसमें गलत क्या है? आप भी इस पर विचार करिए और आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।